हरिओम, मेरा नाम सौजय श्री वीरा महाले है। मैं ठाणा उपासना केंद्र में जाती हूँ और 96 से बापू के यहाँ आ रही हूँ। 96 से मेरे लिए बापू ने बहुत सारा अनुभव दिया है। आज मैं मेरे बहन का अनुभव आपके सामने पेश करती हूँ। मेरा बहन का नाम है सौलता हीरे। उसका पेट का ऑपरेशन हो गया था 8 अप्रैल में, अभी 2017 में 8 अप्रैल में हमारा जन्मदिन था। हम दोनों भी ट्विंस हैं, तो हमारा जन्मदिन के लिए मैंने उसको एक फ़ोन किया तो उसका आवाज़ बराबर नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, घर में कुछ तकलीफ़ होगी। मैं उनको बोली, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या घर में? वो बोली, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बोली, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बापू की उदी ले ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो बोली, हाँ ठीक है ठीक है। वो उसको बोलने के लिए ज़्यादा हो भी नहीं रहा था तो उसने फ़ोन रख दिया। और थोड़ी देर के बाद मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी ने मेरे को बर्थडे विश किया और मम्मी बोली कि लता की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत पेट में दुख रहा है। मैं मम्मी को बोली, हाँ मुझे मालूम है, मैंने अभी ही फ़ोन किया था, वो मेरे को भी बोली। तो मैंने उसको बोला कि बापू की उदी ले ले, कुछ नहीं होएगा। मम्मी को भी मैं बोली कि तुम भी बहुत घबराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी ने भी फ़ोन रख दिया। वो दिन ऐसा ही चला गया। शाम को मैंने मेरे बहन को फिर से फ़ोन किया तो तबीयत उसकी ख़राब ही थी। वो बोली, नहीं मेरे को आराम नहीं मिला है, मेरा को बहुत दर्द हो रहा है। वो रात भी ऐसे ही चली गई। दूसरे दिन सुबह मेरे भाई को मेरी मम्मी बोली कि राकेश लता को देखकर आता है क्या, कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो राकेश बोला कि हाँ ठीक है मम्मी, मैं जाकर लता को लेकर ही आऊँगा। तो मम्मी बोली, ठीक है। तो वो भाई मेरा भाई उसको लेके आया। तो वो दिन रात को उसको एक पेन किलर ऐसा देकर वो रात भी निकल गई। दूसरे दिन हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर के पास हम लोग उनको उसके लेके गए और हमारे फैमिली डॉक्टर ने उसको सलाइन वगैरह इंजेक्शंस पेन किलर से उसको थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन डॉक्टर बोले इसका पेट बहुत कड़क हो गया है, सोनोग्राफी तो करनी पड़ेगी। हम लोगों ने बोला कि ठीक है जैसे आप चाहे हम लोग करते हैं। सोनोग्राफी किया, सोनोग्राफी का रिपोर्ट सुबह शाम को 7 बजे आया। हम लोग बहुत घबराए हुए थे, लेकिन बापू का नाम लेते ही सब ठीक हो जाएगा ऐसे मन में आता था। रिपोर्ट डॉक्टर ने देखा तो रिपोर्ट में उसको गर्भाशय को जो पिशवी रहती है, थैली रहती है, उसको एक गांठ था और सब पेट में पॉइजन हो गया था। डॉक्टर ने बताया इनको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। हम लोग बोले ठीक है, एडमिट करना है तो कर लीजिए। मेट्रो हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया, हम लोगों ने उनको तुरंत वहाँ एडमिट किया और डॉक्टर ने सब प्रोसीजर फॉलो किया और हम लोग को बताया कि इनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूर है अभी के अभी। हम लोग बोले ठीक है, लेकिन उसके हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो लोनावले में थे, कुछ काम के वजह से वो गए थे। हम लोगों ने उनको फ़ोन किया और मेरे भाई ने सब जिम्मेदारी उसकी उठाई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी की। डॉक्टर ने उसको रात 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले लिया और ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन करते समय तीन डॉक्टर उसमें मौजूद थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। 3 घंटा ऑपरेशन चालू रहा था। हम सब लोग रोते रोते ही मम्मी और मैं बापू की उपासना हनुमान कवच का पठन करती रहती थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद वो सिर्फ माँ ऐसा आवाज़ उसने दिया तो मेरे मम्मी ने उसको हाथ दिखाया और बापू है ऐसा ही उसको बताया। डॉक्टर लोग उसको ICU में लेके गए। वो रात हम लोग को ICU में नहीं छोड़ा, जनरल वार्ड में हम लोग बैठे थे बाहर। दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे डॉक्टर राहुल पांडे का राउंड हो गया
राहुल पांडे ने मेरे को सिस्टर के पास मेरे को लिए एक मैसेज भेजा। मैं मेरे बापू का हनुमान चालीसा हनुमान कवच का पठन करती बैठती थी। सिस्टर ने मुझे बुलाया। सिस्टर बोली, आपको अंदर सर ने बुलाया है। मैं ले गई, बापू का फ़ोटो मेरे हाथ में था और मैं वही फ़ोटो लेकर आईसीयू में गई। आईसीयू में डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? डॉक्टर बोले, कुछ नहीं, घबराओ मत, आपकी बहन बहुत अच्छी है, मैं कुछ मेडिसिन आपको लिख के देता हूँ, वो मेरे को तुरंत लेके आओ। मैं बोली ठीक है। मैं मेडिकल में गई और तुरंत मेडिसिन उसको लेके दिया और मैं डॉक्टर को बोली, डॉक्टर मैं आपके एक इजाज़त लेना चाहती हूँ कि मेरा ये जो मेरा सद्गुरु है उसका मैं फ़ोटो इसके पिलो के नीचे रखूँ क्या? डॉक्टर ने हंसकर बोले, हाँ रखो ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हाथ में फ़ोटो था, वो फ़ोटो डॉक्टर राहुल पांडे ने देखा और वो बोले, ये तो अनिरुद्ध बापू है। मैं बोली, हाँ ये अनिरुद्ध बापू, ये कौन है? बोली, मेरे सद्गुरु है। डॉक्टर बोले, हाँ। डॉक्टर हंसकर बोले, ये तो कल इधर ही थे। ऐसा जब मैंने सुना, बापू यहाँ ही थे, हम लोग सब बापू को बोले थे कि बापू यहाँ ऑपरेशन के लिए आप ही आओ, आप ही आओ, वो बापू ने मेरी सुना और बापू यही थे। मैं बहुत रोई और इसी उसे बाहर आई। मैं बहुत रो रही थी कि बापू मेरा यही ही था, मेरे बहन का ऑपरेशन बापू ने ही किया और वो अभी बहुत ठीक है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो गांठ थी वो गांठ सब पस था, उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल आया, एक कीड़ा उसमें मिला था, एक जंतु उसमें मिला था और कोई बाकी प्रॉब्लम नहीं था उसके शरीर में। अब उसका शरीर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है अभी। हमको ये दिमाग में आता था कि ये गांठ कैंसर की तो नहीं है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, ये गांठ नॉर्मल थी। उसका जो पस था उसके शरीर में जो पस हुआ था वो पस गांठ की वजह से हो गया था, लेकिन उसमें एक जंतु कीड़ा मिल गया और वो अभी नॉर्मल है। बापू ने जो हनुमंत कवच का पठन का बताया था कि ये साल हनुमंत कवच पठन के लिए बहुत लाभदायक है, इसका अनुभव मेरे को आज मिल गया और मेरी बहन मेरी सामने बैठी है। हरिओम। श्री राम अम्बज्ञा।